सर आपने ट्रेड से पढ़ाई करी है, आपने बीए भी किया है, लेकिन अगर पुलिस विभाग की बात करें, आपके आगे करियर की बात करें, इसका युवा आपको देखता है रोल मॉडल के तौर पर देखता है, क्योंकि आप पीटा के भी एम्बेसडर रहे हैं। आपने बोला आपको लिखने का बहुत शौक है, पढ़ने का शौक है, तो किताबों के कैसे समय निकालते हैं? आपने बोला 5 से 7 आप निकालते हैं, पर आइडियाज भी लाने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट लाने पड़ते हैं लिखने के, तो वो सारे आइडिया कोई फेवरेट ऑथर, कोई शायर जो आप जिसको सुनते हैं या पढ़ते हैं? सर एनिमल लव्स कैसे, आपने घर में गाय भी पाल के रखी है, तो कैसे ये सब आता है कि ये सब किया जाए, जानवरों के प्रति इतनी भावना रखना, लोगों के प्रति इतनी भावना रखना? क्योंकि आपका जितना मैंने पढ़ा है, जितना आपको जाना है, आपको एक सौम्य स्वभाव का अधिकारी कहा जाता है, तो ये सौम्यता कैसे? सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। हम तमाम आपको ऐसी पर्सनालिटीज से मिलाते हैं जिसको सुनने और देखने के बाद आपको लगता है कि आप उनकी तरह बने। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, पुलिस विभाग में अपना नाम कमाना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन सवाल बस यही है कि आखिर हम वहाँ तक पहुँचे कैसे। हमारे साथ भी आज एक ऐसे अफसर मौजूद हैं जिन्होंने नाम के साथ साथ सोशल वर्क की दुनिया में भी बहुत नाम कमाया है। हम बात कर रहे हैं चिरंजीवी नाथ सिन्हा जी की। जी आपको बता दें कि इस वक्त वो बाराबंकी स्पेशल एडिशनल एसपी हैं और नॉर्थ में हैं। साथ ही साथ उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पटना बिहार से वो सफ़र शुरू हुआ, लखनऊ में पोस्टेड रहे, फिर आज बाराबंकी पहुँच गए हैं, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? चलिए बात करते हैं सर से और जानते हैं कि ये सफ़र किन शब्दों में वो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते प्रिया जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वक्त दिया। सर आप पटना बिहार से आते हैं, कैसे ये जर्नी आपकी शुरू हुई? अगर बचपन की बात करें, हम सबसे पहले बचपन पर जाते हैं, तो बचपन कहाँ से शुरू हुआ, कैसा बीता, माँ बाप भाई बहन के बीच आप रहे और इस दुनिया में कैसे पहुँचे? देखिए शुरुआत की जिंदगी बहुत ही साधारण सी थी, और लेकिन एक सपना था, वो सपना बहुत ही शुरू से ही था कि कुछ ना कुछ तो करना है, अच्छा ही करना है। और जब हम 8th या 9th में ही थे तभी से था कि कोई ना कोई कंपटीशन अच्छा बीट करना है मुझे। तो मुझे याद है कि 8th 9th में उस समय घर में इतने पैसे तो नहीं होते थे, सभी कोई साधारण सी पृष्ठभूमि से आते थे, लेकिन हम सभी दोस्त जो थे उसमें कोई एक मैगजीन खरीदता था और कोई दूसरा मैगजीन, तो इस तरह से 3-4 मैगजीन इकट्ठे हो जाते थे। फिर हम सभी उसको शेयरिंग मोड पे, क्योंकि उसमें मैगजीन की कीमत 10 रुपये होती थी, लेकिन 10 रुपये होना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो खैर हम लोगों ने ऐसे किया और शेयरिंग बेसिस पे हम लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट की, ग्रुप स्टडी स्टार्ट की, क्योंकि कोई ट्यूशन और कोई कोचिंग, पैसे नहीं थे इतने कि कोई ट्यूशन कर सकें, कोई कोचिंग कर सकें, तो हम लोगों ने ग्रुप स्टडी किया। और ग्रुप स्टडी का फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने जो जैसे 10 क्वेश्चन मैंने तैयार किए, 10 आपने तैयार किए, इससे क्या हुआ कि फिर हम सबके पास जो बैंक, जो अपना नॉलेज बैंक है वो ज़्यादा ठीक ठाक हो गया वहाँ पे। इसके बाद जब 10th में पहुँचे तो एक ही उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके से अब बहुत कम समय में हमें अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करके और कहीं ना कहीं सर्विस पानी ही पानी है। इसी दौरान मैंने जब जैसे ही ग्रेजुएशन किया और उसी के साथ साथ मेरा मुंबई में नरसी मौंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में सिलेक्शन हो गया, मैंने उसमें आईटी का माने इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें हमने एमबीए किया। वहाँ से जहाँ से ही वहाँ से मैं वापस आया तो ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी, ये तीनों के एग्ज़ाम्स मैंने दिए, तो तीनों के एग्ज़ाम में एक ही बार में वो मेंस हमारा हो गया और फाइनली हमारा यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हो गया। सर अगर बचपन की यादों की बात करें तो कोई ऐसी खास यादें या जिस जहाँ जिस पृष्ठभूमि से आते हैं पटना बिहार, कहा जाता है कि बिहार अब धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है, तो आप जिस गांव से आते हैं वहाँ की पृष्ठभूमि कैसी थी, क्या था, माँ बाप के साथ कोई ऐसा मोमेंट, कभी डांट पड़ी हो, खेलने जा रहे हों, एग्जाम्स हों, तो वो सारी जो बातें जो आजकल का बच्चा भी बनना चाहता है वो जानना चाहता है कि आप जो अधिकारी रैंक में होते हैं क्या उनकी ज़िंदगी भी वैसी उन्हीं की तरह होती है नॉर्मल? हाँ वैसे ही होती है, ऐसे ही होती है साधारण। एक बार मुझे याद है कि मैं इंटरमीडिएट में था और मैं अपने इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, मैं अपनी बुआ जी के घर पर गया। उसमें फ़ोन तो होता नहीं था कि आप कम्युनिकेशन से बता पाए कि मैं जा रहा हूँ, तो पापा का था कि 6 बजे घर आ जाना है, ठीक है, और 6 बजे नहीं आए, वो 7:15 हो गया, तो आते के साथ खूब पिटाई विटाई हुई। लेकिन उस पिटाई में भी एक ये था कि यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन, उद्देश्य और कुछ नहीं था कि वो कोई टेरनिकल नहीं था,
नहीं था कि यदि आपको 6 बजे आना था तो 6 बजे आ ही जाना चाहिए था, आप कहीं भी गए हो तो आना था। एक इंसिडेंट आपको बताऊँ, लेकिन पापा का प्यार भी था। बचपन में मैं बीमार हो गया तो मुझे याद है कि कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा और कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पापा हमको लेके नहीं गए होंगे। सर, आपने ट्रेड से पढ़ाई करी है, आपने बीए भी किया है, लेकिन अगर पुलिस विभाग की बात करें, आपके आगे करियर की बात करें, तो इस करियर में आपने कहा कि अपने पहले अटेम्प्ट में, क्या आपने हमेशा बचपन से सोच रखा था कि आपको इसी प्रोफाइल पे जाना है, या कोई भी कोई ज़िंदगी में दूसरा ऑप्शन था कि ये नहीं तो मैं ये करूँगा? देखिए, मैं जाना तो दो में चाहता था, या तो मैं मैनेजमेंट में जाना चाहता था, प्रबंधन में, या फिर सिविल में, क्योंकि मेरे मामा इसी प्रशासनिक सेवाओं में थे, तो एक मेरा ड्रीम विजन तो था इसमें, और ये दोनों की तैयारी किया। और प्रबंधन में इस वजह से क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट था, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था कि ट्रेड कैसे किया जाए, कैसे हम बेटर अपना दे सकते हैं कुछ। तो दैट्स वाई आई डिड माई MBA फ्रॉम नरसिंह मांझी, एंड देन आई डिड अगेन माई MBA फ्रॉम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वो HR में था, ये इसमें था, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं के प्रति एक रुझान तो था, क्योंकि इसमें यह है कि सबसे अच्छी बात क्या है कि आप किसी को इंस्टेंट मदद दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोता हुआ आया है, परेशान होकर आया है, तो वो जब तक कि अभी वो मुकदमेबाजी में जाएगा या कुछ जाएगा, आप उसको इंस्टेंट आप उसको पहुंचा सकते हैं मदद। कभी कभी मेरे पास ये आता है कि एक माँ है, उसके 2 बेटों ने उसको जो है कि घर से हटा दिया, उसकी ज़मीन, उसके उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई, दोनों बेटों ने संपत्ति हड़ी। अब वो माँ कहाँ रहे, घर में जगह है नहीं, संपत्ति अब है नहीं, तो उसमें पुलिस ही एक ऐसी यूनिट है या प्रशासन जो कि आपको वहाँ पे उसको इंस्टेंट उसको रिहैबिलिटेट करा सके। सर, अगर पढ़ाई की बात करें, आज का युवा आपको देखता है रोल मॉडल के तौर पे देखता है, क्योंकि आप पीटा के भी एम्बेसडर रहे हैं, आपने लखनऊ जू में भी कुछ जानवरों को, स्पेशली बर्ड्स को आपने अडॉप्ट किया, स्कूल को अडॉप्ट किया, बट गर्ल्स की पढ़ाई के लिए आप आगे आए सर, लेकिन आप उस पोजिशन बनने के लिए क्या जर्नी है, कैसे टाइम टेबल मैनेज किया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, क्योंकि आज तो संसाधन बहुत है हमारे पास, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, हम कहीं से भी सारा डेटा निकाल सकते हैं, पर फोकस कैसे रहा जाए कि ये टाइम टेबल पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। देखिए, मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट के समय सिर्फ आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने स्टडीज पर फोकस करें, घंटे में अपने आप को न बांधें। 6 घंटा और 8 घंटा, यदि कोई भी ऐसा, मेरा अपना मत है कि हम चैप्टर या कंटेंट पे फोकस करें। मानिए कि हमने वेक्टर मोशन हमने रखा, आज मेरा चैप्टर ये है, अब हम उस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, वो 2 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है, 8 घंटे में ही हो सकता है, 10 घंटे में भी हो सकता है, तो वो कंटेंट शुड बी फोकस्ड रादर देन आवर्स। आवर्स में तो है कि तुम 2 घंटा पढ़े तो हम तो हमेशा घड़ी पे ही हमारी ध्यान है कि 2 घंटा ख़त्म हुआ और हम निकल जाएं, लेकिन यदि आपने कंटेंट पे फोकस किया हुआ है तो वो आपको बांधेगा। दूसरी बात यह है कि एक मेरा अपना एक ड्रीम वाक्य मोटो है कि सपने आपके हैं तो जगना आपको ही पड़ेगा, और वो सपने आपको अपनी खुली आँखों से देखना होगा। सर, अपनी किताबें भी पब्लिश करी हैं, तो अपनी किताबों के बारे में बताइए। आपने बोला आपको लिखने का बहुत शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, तो किताबों के कैसे समय निकालते हैं? आपने बोला 5 से 7 आप निकालते हैं, पर आइडियाज़ भी लाने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स लाने पड़ते हैं लिखने के लिए, तो वो सारे आइडिया, कोई फेवरेट ऑथर, कोई शायर जो आप जिसको सुनते हैं या पढ़ते हैं, क्यों किताबें लिखने का भी भाव आया? क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, उसके बीच में ये सब समय निकालना, ये कैसे बैलेंस होता है? 24 घंटे का समय सभी के पास एक ही समान होता है, बस आपको ना, यदि आप इफ़ यू आर ए राइटर फ्रॉम द इनर कोर, आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आप कॉन्सेप्ट कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करते, हम आसपास की दुनिया से ही इसको देखते हैं, सीखते हैं, और कोई भी कहानी एक लाइन से शुरू होती है, एक पंक्ति से, और फिर वो पूरी कहानी बनती है। तो आपको बस वो हिट होना चाहिए, और हिट होने के लिए आवश्यक है, मतलब हिट के माने यहाँ हिट होना चाहिए, और हिट होने के लिए आवश्यक है कि आपका मन सेंसिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, ऑथर में यदि मैं बात करूँ तो मैंने सभी के लिए, जैसे लेकिन जैसे दिनकर जी और प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, ये मेरे फेवरेट रहे हैं, और मौजूदा समय में जब नई कविता की बात करें तो जैनेन्द्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी बहुत ही आदर्श,
मैंने सब में देखा है कि उन्होंने कभी भी बहुत ना ऊपर के आदर्शों की बात नहीं की, हम आम समाज की बात उन्होंने किया है। तो मेरी कहानी भी आम समाज के आसपास ही घूमती है। और एक अभी हमने दो किताबें, ये तो मेरी कहानियों शॉर्ट स्टोरीज की बात है, दूसरी अभी हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर दो किताबें हमने लिखी है, उसमें 175 है स्टोरी जो यूपी के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, और दूसरी पूरे इंडिया के 75 ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। सर, एनिमल लव्स कैसे, आपने घर में गाय भी पाल के रखी है, तो कैसे ये सब आता है कि ये सब किया जाए, जानवरों के प्रति इतनी भावना रखना, लोगों के प्रति इतनी भावना रखना, क्योंकि आपका जितना मैंने पढ़ा है, जितना आपको जाना है, आपको एक सौम्य स्वभाव का अधिकारी कहा जाता, तो ये सौम्यता कैसे सर, या बचपन से बहनों के साथ रहे, माँ बाप ने ऐसी परवरिश करी, या कोई ऐसा स्ट्रगल है जिसने आपको इतना सौम्य बना दिया कि आप किसी की बातों को मना नहीं करते, कोई भी आपके द्वार पर आता है सर ये है तो आप उसको करते हैं? सौम्यता जो इंसान है उसके, जो भी वाकई में विक्टिम है या परेशान है या मेरे पास मदद मांगने आया है, मदद आदमी किसी न किसी भाव में ही आता है मांगने और या अपनी बात रखने, तो उस उनके प्रति मैं सौम्य हूँ। लेकिन जहाँ तक अपराधियों की बात है तो बहुत सारे काम हुए हैं, एंड आप देखेंगे कि यूपी में शुरुआत में जितने 2007 का सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसके सारे आतंकवादियों को मैंने ही अरेस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद अन्य अन्य जो अरेस्टिंग हुई आतंकवादियों की उसमें मेरी मैंने काम किया और भी मेरा, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए 90% आदमी आज भी आपके पास एक विश्वास के साथ आता है, सिस्टम में उसका विश्वास है तभी तो वो आता है, नहीं तो वो मेरे पास नहीं आके किसी और व्यक्ति के पास जाएगा कि भैया आप मेरी मदद करो, वो क्यों पुलिस के पास आता है? तो जब आप सिस्टम में उसका विश्वास है तो वो विश्वास उसका खंडित नहीं होना चाहिए। सर, जैसे बहुत से बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो पुलिस में आना चाहती है, अधिकारी बनना चाहती है, जस्ट फॉर द पोजीशन, लेकिन आप भी उस पोजीशन पे आज बैठे हैं, तमाम जगहों पर आप जाते हैं, जब युवा पीढ़ी इस तरीके के सवाल लेकर आती है कि सर आपकी तरह बनना है, सिर्फ हमको पावर चाहिए, मेरे पास बहुत से मिलते हैं युवा जो कहते हैं मुझे पुलिस की तरह बनना है क्योंकि मुझे पावर चाहिए, ये पावर पढ़ाई और घर से, जब आपने अपने पिताजी को बताया कि आप अधिकारी बन गए हैं, माताजी को बताया, तो कोई आज भी कोई ऐसी शिक्षा इतने साल बाद उन्होंने आपको दी, क्योंकि सबसे पहला प्रमोशन आपका 2014 में हुआ था, जब आप प्रमोशन में आए आपके माता पिता ने कोई ऐसी सीख दी आपको जो आज भी आप जब ऑन ड्यूटी रहते हैं आपके दिमाग में रहती है? हाँ, क्यों निश्चित ही जब प्रमोट हुए और अब एक रिसेंट प्रमोशन नोटिफिकेशन बस आने को है उसका, PPS 2 IPS कैडर का वो है, उनका एक है कि जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ेंगी वैसे वैसे, मतलब कि जैसे जैसे आपको अधिकार और होगा आपको और जिम्मेदार बनना है और विनम्र बनना है, दृढ़ बनना है परंतु विनम्र बनना है, क्योंकि जब ये जो भी आपको प्रमोशन होता है या सर्विस में आपको प्राप्त होती है ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय है, क्योंकि तमाम बच्चे आते हैं उसमें से आप ही क्यों सेलेक्ट हुए, आपने मेहनत की होगी, तमाम और बच्चों ने भी मेहनत की होगी, हो सकता है कोई आपके कर्म ऐसे रहे होंगे कि आपको भगवान ने आपको ब्लेस किया है, तो यदि उसने ब्लेस किया है तो भगवान तो आपको भी उसका जो पे बैक है ना वो सोसाइटी को ही करना है, कोई कहीं से लेके नहीं आता, इसी सोसाइटी से आपने पाया इसी को आपको दे देना है। जो जानवरों की बात है, जो आपने जहाँ तक कहा था उसकी भी बात है, मुझे आज तक, मैं मंकीज़ के बीच में जाता हूँ, एलिफेंट्स के साथ बीच में जाता हूँ या जो तो मुझे किसी जानवर में आज तक एक बार स्क्रैच भी नहीं किया, मैं यदि 300 मंकियों के बीच में हूँ बंदर में तो वो मुझे स्क्रैच भी नहीं कर, मैं बैठा रहता हूँ, वो मेरे साथ वो चाहे मेरे हाथ से खाना खाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी आपकी भाषा समझते हैं, और भाषा जो मन की भाषा होती है वो आप भी समझते हैं, वो बंदर वो पशु पक्षी भी समझते हैं, उतने ही वो शायद हमसे ज़्यादा बेटर समझते हैं। पावर की जहाँ तक बात है, देखिए पावर तो ठीक है, पावर तो है, यूनिफॉर्म में है, उसका चार्म भी अपना है और ये बना रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ड्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख के सल्यूट आपको लोग करेंगे, लेकिन इसके साथ यह नहीं है कि आप उसको उसके रुआब में आएंगे, यू हैव टू बी टफ, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। जैसे बच्चे हैं आजकल के, पढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो करियर में अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते, कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, अभाव नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो बनना चाहते हैं, और लेकिन पेरेंट्स कहते हैं घर से बाहर निकलो कमाओ, लेकिन उनका फोकस रहता है कि मुझे करियर ही बनाना है। सर, वो कन्विंस पावर कैसे करें, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास से आज उठकर यहाँ पहुँचे हैं, तो पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम निकाले, किसी को 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, तो ये वाला जो माइंड सेट है इसको कैसे बैलेंस किया जाए?
देखिए इसमें तो बच्चों को, पेरेंट्स को और सोसाइटी को भी करना होगा। ये जो आजकल 99% का जो गेम चल रहा है कि 99% से नीचे आया तो बच्चा जो है कि वो डिप्रेशन में आ गया, एक कौन सा 19। और आपने देखिए कितने ऐसे 99% या 100% के बच्चे हैं, जब आप जेई मेंस का एग्ज़ाम दीजिए एडवांस का या नीट का, तो क्या वही 100% वगैरह नहीं टर्न अप हो पाते? ऐसा नहीं है कि ये जो नंबर गेम है, एक तो पहले ये बंद होना चाहिए। दूसरी बात कि आप बच्चों को ये चाहिए कि अपने माँ बाप को बताएं कि पापा आप विश्वास कीजिए या मम्मी आप विश्वास कीजिए, मैं कर जाऊँगी या करूँगा, ठीक है। और पेरेंट्स को, अब पेरेंट्स भी अच्छे हो रहे, ऐसे नहीं है, अब पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि ठीक है, यदि उसको समझ में आता है कि उसको पेंटर बनना है या स्पोर्ट्समैन बनना है। अब देखिए यहाँ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सुबह के समय तमाम बच्चे बच्चियाँ जो है कि वो आते हैं, तो इसका माने कि उनके पेरेंट्स, अब वो साधारण घरों से, इसका माने कि अब पेरेंट्स ने भी समझना शुरू किया है। हाँ, समय वक्त लगेगा, बट आई थिंक कि डे विल कम कि हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की बातें सुनेंगे। लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि वो अपना जो विजन उनका है या उनका जो ड्रीम है उसको तार्किक ढंग से अपने माँ बाप को समझाएं। सर, आपने तमाम तरीके के मुजरिमों को पकड़ा है, कई जनपद में रहे, सबसे टफ जनपद कौन सा था? आज आप जिस लेवल पर हैं, आपको ऐसा लगा कि यार ये वाला सिटी होल्ड करने में टफ लगा, कोई ऐसा दंगा हुआ, बम ब्लास्ट हुआ 2007 का ही, आपने कभी दिमाग में आया कि यार ये थोड़ा सा टफ काम है, इसको कैसे होगा? या माता पिता से कभी वो भाव शेयर किया कि पापा ये वाला केस है या ऐसा कुछ हुआ है तो इस पर कैसे सूझबूझ के साथ काम करें, लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, अपने निजी जीवन में भी प्रॉब्लम ना हो और काम भी आसानी से हो जाए? देखिए ऐसा टफ तो नहीं लगा, ऐसा टफ तो, क्योंकि दूसरी बात की जो टफ काम है उसी में चुनौती भी है। जो मैं बता रहा था 2007 का था, एक साथ लखनऊ, बनारस, फैजाबाद, जो अब इसको अयोध्या कहते हैं, वहाँ पे कचहरी ब्लास्ट हुआ। मैं उस समय सीओ चौक होता था लखनऊ का, लेकिन मुझे अन्य दूसरी एजेंसियों के साथ हमने काम किया और उसमें एकदम एक ब्लैंक था, कुछ भी नहीं पता था वो कहाँ से ऑपरेट हुआ ये टेरर प्लान कहाँ से। उसके बाद लेकिन यह है कि जब चुनौती आती है ना तो आपको बस विजन भी तभी बनता है और तभी आइडियाज़ भी आते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि आपकी टीम यदि अच्छी है, टीम ये पूरा का पूरा काम जो पुलिसिंग का है वो टीम का है, तो आपका सिपाही, आपके सब इंस्पेक्टर, मैं या मेरे बॉस, एक टीम यदि अच्छी हो और सब में कोऑर्डिनेशन हो तो अच्छा हो जाएगा। सर, 2000 से 2024 आ गया, 24 साल का सफ़र पूरा कर चुके हैं, क्या युवा पीढ़ी को आप संदेश देना चाहेंगे और खुद के लिए भी आज भी कौन सा मोटिवेशन है जो आपको और मैम को दोनों को साथ भी जोड़े हुए हैं, आप सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य भी कर रहे हैं, कोई ऐसा मोटिव और युवाओं के लिए मैसेज, बस ये मेरा आखिरी सवाल है। देखिए युवाओं को जो यूथ, तो मैं हमेशा कहता हूँ यूथ क्या, बच्चों के लिए भी, जो बच्चे अब ग्रोन अप हो रहे हैं क्योंकि बच्चे अब ज़्यादा समझदार हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप फोकस ये कीजिए कि आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ इस सोसाइटी को, इस नेशन को, नेशन की बात करूँगा, कि पे बैक आपको करना है। आप भारत में हैं, आप कोई ऐसा काम कीजिए जिससे लगे कि हम राष्ट्र निर्माण में आगे आ सकें। पैसा तो आप कमा ही लेंगे, चाहे वो बिजनेस से, चाहे सर्विस से आप आ जाएंगे। दूसरी बात की खासतौर पर आप महिलाओं का सम्मान कीजिए और बुज़ुर्गों को टाइम दीजिए, चाहे वो बुज़ुर्ग आपके अपने घर के हों या आपके सोसाइटी के हों या आप जहां आपका काम कार्य क्षेत्र हो। क्योंकि कभी कभी आप बुज़ुर्ग को देखिए कि जब वो कहने आते हैं तो अचानक से कोई दूसरा आदमी जो यूथ है वो आगे आ जाता है, तो वो बेचारा जो बुज़ुर्ग है वो अपनी उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कूद के आगे आ जाए, लेकिन आप उस तक जाइए। यदि वो उठ के नहीं आ पा रहे हैं, यू शुड गो टू देम, यू आस्क देम, आप उनसे पूछिए, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं उनको और कुछ तो नहीं चाहिए, बस करुणा, और उनको एक अटेंशन चाहिए और उनके पास अनुभव है। दूसरी बात कि जो बच्चे हैं, बच्चों को हमें निर्भीक बनाना होगा और बच्चों के लिए एक ही संदेश है कि देखिए आप कोई भी व्यक्ति फेसबुक देखकर, ट्विटर देखकर, यूट्यूब देखकर, ये जो है कि वो कोई बहुत आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते। सपोर्ट आपको मिल सकता है बट इट शुड बी वेरी लिमिटेड, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम होना चाहिए। आज के समय में जो आँखों की समस्या हो रही है या जो अटेंशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उसकी समस्या है, आप अभी भी, मेरा मानना है कि जितना आप पेन पेपर मोड में आप कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी, वही अच्छा होगा। दूसरा, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने घर में यदि आपकी यदि आप जेंट्स हैं तो आप अपनी वाइफ को भी उतना ही सम्मान दीजिए, यदि वो हाउस वाइफ हैं तो उनको और सम्मान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है पूरा आप
आप तो बाहर आप काम करते हो लेकिन घर में पूरा का पूरा आपकी माँ आपकी पत्नी मैनेज करती हैं। यदि वो सर्विस में है तो निश्चित तौर पर तो उनकी दुनिया तो अपनी है ही। थैंक यू सो मच सर। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ चिरंजीवी नाथ सिन्हा सर, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो स्क्रीन टाइम कम रखिए, यानी मोबाइल पे समय दीजिए, सोशल मीडिया पे समय दीजिए, लेकिन किताबों से दोस्ती करना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, करियर में एक लक्ष्य रखेंगे कि आपको यही बनना है, तो समाज के साथ साथ आपका जीवन भी उद्धार होगा, लेकिन अपने पेरेंट्स का और अपनी बेटर हाफ का भी रिस्पेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे ही हम आपको अगले एपिसोड में एक ऐसी ही खास पर्सनैलिटी से रूबरू कराएंगे जिसकी बातें ज़रूर आपकी ज़िंदगी में सीधा असर डालेंगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।